इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला। ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम आप सभी को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के विषय में बताए थे। आज आधुनिक काल के छायावादी युग के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, छायावादी काव्य की विशेषता, छायावादी काव्य की क्या विशेषता थी? तो पहला है वैयक्तिकता की प्रधानता, मतलब व्यक्तिगत अपने विचारों की प्रधानता, व्यक्तिगत अपने विचारों की प्रधानता। दूसरा देता है रहस्यवाद की प्रधानता। जो भी रचनाएं हुई, एक अज्ञात अव्यक्त सत्ता के प्रति हुई, हमेशा अपने मूल भाव को छिपाने का प्रयास किया गया। तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण, मनुष्य में मनुष्यता कैसी होनी चाहिए, मनुष्य की मनुष्यता कैसी होनी चाहिए, मानवता क्या होती है, उसके विषय में भी प्रकाश डाला गया है। आगे राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, तो हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस देश के प्रति हमारा समर्पण का भाव है नहीं है, तो हमको अपनी राष्ट्र के प्रति अपने भावनाओं को भी समर्पित कराने वाला भाव इस युग के काव्य में दिखाई देता है। साथ ही नारी महत्व का वर्णन, स्त्री जात जो समाज में जिसको सम्मान नहीं मिलता था, तो उनको भी बराबर का दर्जा देना शुरू हो गया, स्त्री को भी बराबर का महत्व मिलना शुरू हो गया इस युग में। इसके आगे एक शब्द देता है प्रतीकात्मकता। तो आपको बता दें, प्रतीक का मतलब होता है संकेत, चिन्ह। प्रतीक का मतलब संकेत होता है, ये एक चिन्ह है। तो प्रतीक का मतलब ये होता है कि एक अन्य दूसरे अर्थ का ये प्रतिनिधित्व करता है। काव्य में जो संकेत दिए गए हैं, जो प्रतीक दिए गए हैं, वह प्रतीक एक अन्य दूसरे अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात एक दूसरे अर्थ के तरफ संकेत करता है। फिर से देख लीजिए कि वैयक्तिकता का की प्रधानता, रहस्यवाद की प्रधानता, मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, प्रतीकात्मकता, ये छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं। अब आपको इतने ही से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि छायावादी काव्य की दो विशेषताएं बतलाइए, तीन विशेषताएं बतलाइए। बस इसमें से उठाकर आप दो पूछता है दो का, तीन पूछता है तीन का नाम लिख दीजिए। इन्हीं विशेषताओं में से आप उनका नाम लिख देंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब आगे देखिए, छायावाद के प्रमुख कवि, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि छायावाद के दो या तीन प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में देखिए जयशंकर प्रसाद, इन्हीं के नाम से छायावाद का एक दूसरा नाम पड़ा प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर पूरा नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी नाम याद नहीं है, भूल गए हैं, तो मात्र निराला लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। सुमित्रानंदन पंत, इनका भी सुमित्रानंदन अगर भूल जाते हैं पंत जी लिख दिए तो आपका उत्तर सही मान लिया जाएगा। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं।
इन कवियों का नाम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, इसलिए कि हमेशा पूछता है कि छायावाद के दो या तीन चार कवियों का नाम लिखिए। अब इसके आगे एक क्वेश्चन बहुत विशेष तौर पर पूछता है कि प्रकृति का सुकुमार कब किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को अभी से आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है या उन्हीं को माना जाता है। अब देखिए फिर क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख रचनाएं पूछेगा प्रश्न में कि छायावाद की दो प्रमुख रचनाओं के नाम, तीन प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप ने संकोच जो नाम आपके सामने लिखा गया है इसमें से उठा करके आप लिख देंगे। अगर रचना और रचनाकार का नाम पूछता है तो उनका भी नाम, जैसे देखिए कामायनी, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, रस विबंध सुमित्रानंदन पंत, यामा महादेवी वर्मा, अनामिका निराला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छायावाद की प्रमुख दो रचनाओं और रचनाकार का नाम लिखिए, तो आप इसमें से उठा करके किसी दो रचना और उनके रचनाकार का नाम आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि छायावाद के महाकवि कौन है, किसको माना जाता है, छायावाद के महाकवि किसे कहा जाता है। तो इसके विषय में हम आपको बतला दें कि छायावाद के महाकवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। किसके महाकवि, छायावाद के महाकवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। उनकी रचना कामायनी महाकाव्य है। धन्यवाद।